हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो अभी जो है दोपहर का टाइम हो रहा है, 2 बजे या 3 2 बज रहे होंगे, 2 बजे का आसपास का टाइम होगा। क्योंकि मैं शायद खाना तो तैयारी मैं सुबह ही कर चुकी होती हूँ, तो यहाँ पर जो है मैं दोपहर से ही मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है झाड़ू हुआ, पोछा हुआ, डस्टिन किया, उसके बाद से मैं यहाँ पर फेस वॉश करने लगी क्योंकि गर्मी बहुत है। तो थोड़ा सा मैंने सोचा चलो फेस वॉश कर लेती हूँ क्योंकि काम करने के बाद थोड़ी सी गर्मी सी लगती है। तो यहाँ पर और आज मैं ना सुबह मॉर्निंग में ही नहा ली थी, मौका मिल जाता है तो मैं मॉर्निंग में ही नहा लेती हूँ। थोड़ा सा लेट उठे आज थोड़ा सा, वैसे तो देखो स्कूल जब बच्चे जाते हैं तो सुबह 5:30-6 बजे तक उठना ही होता ही है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि 8, 8:30, 9 भी बज जाते हैं उठने तक। तो ऐसा नहीं कि मैं फिक्स टाइम पर उठती हूँ, जल्दी उठती हूँ, नहीं, बिल्कुल भी जल्दी नहीं उठती। क्योंकि जब लेट सोते हैं तो फिर लेट ही उठते हैं, और फिर हस्बैंड का जाने का टाइम भी ना 11, 11:30 बजे तक जाते हैं, तो कोई ऐसा जल्दी नहीं रहता। तो यहाँ पर जो है जैसे 9 बजे उठी, फिर उसके बाद खाना वगैरह बनाया, मौका लग गया तो मैं नहाने भी चली जाती हूँ, अदरवाइज नहीं नहा पाई तो फिर नहीं नहाती हूँ। तो यहाँ पर जो है सारा काम करने के बाद मैंने अपना फेस वॉश कर लिया, थोड़ा फ्रेश फ्रेश फील होने लगा कि हाँ अब थोड़ा नहीं लग रहा। क्योंकि या तो फिर ये है कि काम करके नहाओ। तो गाइज अभी मैंने मुँह वूँ धोया, थोड़ा सा ना फ्रेश फ्रेश सा लगता है मुँह धोकर ना, इतनी गर्मी हो रही है ना बहुत ज़्यादा। मुझे तो ऐसा लगता है कि यूपी वालों का क्या हाल हो रहा होगा, यूपी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मैं फ़ैन ऑन करती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यूपी में। तो मैं सोच रही हूँ कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है यहाँ पर, फिर भी इतना है कि हाँ हम लोग झेल पा रहे हैं। 35 डिग्री तक आसपास पहुँच गया, लेकिन यूपी में शायद 47 या 46 के आसपास हो गया है। मतलब इतना टेम्परेचर बढ़ गया और मतलब गर्मी बढ़ती जा रही है, भगवान पता नहीं क्या वो करवाना चाह रहे हैं। वैसे तो कुछ चीज़ों में गलती हमारी भी होती है, कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि पेड़ कटवा देते हैं, तो हमारी भी कहीं ना कहीं गलती होती है। हम लोगों को भी पौधे लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। उस वजह से गर्मियाँ बढ़ती ही जा रही हैं। और आप सब लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ लस्सी, दही नहीं मट्ठा था, बहुत अच्छा मट्ठा था, मीठा खट्टा नहीं था, तो सोचा कि चलो लस्सी बनाते हैं। और आजकल तो गर्मियों में लस्सी हुई, रोबजे का दूध हुआ, मिल्क हुआ, और मिल्क शेक हुए, मैंगो शेक हुआ, बनाना शेक हुए, ये सारी चीज़ें ज़्यादा पी जा रही हैं। और हमारे घर में नींबू पानी भी बहुत पीते हैं। तो यहाँ पर ना बच्चे खेलने के बाद आ गए थे, बच्चे बाहर खेल कर आते हैं डेली शाम को 6 बजे के आसपास, 5:30-6 बजे जाते हैं, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है ना, तो उसके बाद ही जाते हैं। उसको करने के बाद फिर मैं आकर इनको कुछ ठंडा ऐसे ही कुछ बना के दे देती हूँ। जाने से पहले भी कुछ ठंडा पी कर जाते हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा खा के जाते हैं कि जो मतलब खेलते में डाइजेस्ट हो जाए। कोई ऐसी चीज़ आजकल वैसे भी नहीं खिला रही हूँ ज़्यादा हैवी चीज़ें। और यहाँ पर जो है मैंने लस्सी में थोड़ा ठंडा नहीं लग रहा था मुझे, तो फिर मैंने बर्फ़ मिलाई और यहाँ पर बूरा ऐड किया, क्योंकि चीनी को घोलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बूरा डालो ना तो बहुत सही रहता है, और लस्सी बनाओ तो फिर मलाई ना हो, तो ऐसा वही नहीं है। तो मैंने यहाँ पर ना दूध की मलाई पूरी तरह से उतारी नहीं थी, काफ़ी मोटी मोटी मलाई पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने इस तरह से ऊपर से डाल सकते हो आप इसमें ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और बच्चों को बच्चे पी लेते हैं, मेरा बेटा तो अक्सर करके मैं कोई ऐसी चीज़ बनाती हूँ तो वो खा लेता है, लेकिन बेटी के बहुत नखरे रहते हैं। तो अभी जो है मैं यहाँ पर मलाई डालकर और थोड़ा टेस्ट आ जाएगा बस, तो इसीलिए बिल्कुल देसी स्टाइल में। अगर मेरे पास मिट्टी वाले कुल्हड़ होते ना तो मैं उसमें बनाती, कि उसकी और भी अच्छी खुशबू आती। कैसी आ रहा? टेस्टी है। तो गाइस अभी कैमरे के आगे बोल रही थी बहुत अच्छी है, और बाद में कह रही है मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मतलब कहने का मतलब ये, क्योंकि ये दही खट्टा नहीं खाती है, दही खट्टा हुआ या कुछ भी ऐसी चीज़ खट्टी चीज़ हो वो सब चीज़ें नहीं खाती, तो इसे अच्छी नहीं लगी। तो कैमरे के आगे कुछ और होती है और पीछे कुछ और होती है, ये बिल्कुल सही होता है, ये बता देता है क्या है क्या नहीं है। कैसी लगी यार तेरे को? टेस्टी तो थी। अब एक्चुअल में क्या है कि ये लोग लस्सी कम पीते हैं तो इसलिए काम इसको अच्छी लगी, लेकिन इसको तो अच्छी लगी, इसने पी ली। और मैं अब दूसरा वैसे ही मुझे तो दही पसंद ही है, इसको दही ज़्यादा पसंद है, इसको दही बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये कह रही है खट्टी खट्टी लग रही है। तो मैंने कहा दही तो खट्टा ही होता है थोड़ा सा, तो
कैमरे के आगे कुछ और थी और बाद में कुछ और हो गई। जब घर में दो बच्चे होते हैं ना तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, सबकी अलग अलग चॉइस होती है। तो मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल अलग अलग हैं, मतलब एक मेरे पर गया और एक मेरे अपने डैडी पर गया गई है। तो मतलब दोनों की चॉइस वगैरह सब कुछ अलग है। एक को जो खाना पसंद है, एक को बिल्कुल सब्जियाँ बिल्कुल नहीं पसंद है। क्योंकि मेरे पतिदेव ना बिल्कुल सब्जियां नहीं खाना पसंद करते, जैसे कोई भी वेजिटेबल्स होते हैं। अब तो वो खा लेते हैं लेकिन वेजिटेबल्स वगैरह बिल्कुल नहीं खाते थे। तो सेम उसका भी कंडीशन यही है कि बेटी भी मेरी सब्जियां नहीं खाती। और लस्सी पीने के बाद, लस्सी पी और उसके बाद जो भी बर्तन थे थोड़े बहुत वो सब किए, क्योंकि अभी मैंने थोड़ा सूखने के लिए छोड़ रखा है बर्तनों को, तो वो जब सूख जाएंगे तब मैं उनको लगाऊंगी। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं बनाने लगी कुत्तों की रोटियाँ। तो ये कुत्तों के लिए बना रही हूँ रोटी ना, आपको देखकर लग रहा होगा कि मैं इतनी मोटी रोटी क्यों बना रही हूँ। तो यहाँ पर यह कुत्तों की रोटी बना रही हूँ, क्योंकि हमारे घर पर ना दो डॉगी पाल रखे हैं, उनकी ही रोटियाँ बना रही हूँ। और जो है वैसे मैं मॉर्निंग में ही बना के रख देती हूँ, ताकि शाम को मेरे को सिर्फ सब्जियाँ ही बनानी पड़ती है, खाने की सब्जी बनानी पड़ती है। लेकिन मॉर्निंग में हुआ क्या था कि ज़्यादा टाइम मुझे निकाल नहीं पाई, मिला नहीं, तो फिर मैं नहीं कर पाई। तो फिर मैंने सोचा चलो शाम को ही बना दूँगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फिर मिलते हैं, बाय।